जी नमस्कार गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं इसमें आपको बताने वाले हैं कि कैसे अपने बालों को हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो गाइस, अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए जिन लोगों के हेयर फॉल हो रहा है और जिन लोगों के बाल यू नो बैल्ड होने शुरू हो गए हैं, गंजा होने शुरू हो गए हैं, उनके लिए कि रामबाण है ऐसा तेल बनाएंगे घर में, जो कि एक बहुत ही पुराना नुस्खा है और मेरी मदर की रेसिपी है, मदर की इंग्रेडिएंट्स है, उनका एक सीक्रेट रेसिपी है, सीक्रेट नुस्खा है। तो आज हम आपको मदर के ज़बानी ही आपको बताएंगे कि कैसे वो हम तेल बनाएं। मैं पहले तो बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। गाइज, आप देख सकते हैं कि मेरी जो ये थी हेयर लाइन बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। अगर आपने मेरे कुछ पहले के वीडियोज़ देखे हों तो मेरी हेयर लाइन बिल्कुल अंदर चली गई थी, बहुत डीप हो गई थी। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, बाल बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर गए हैं, यहाँ से भी बाल ग्रो कर गए। और गाइस, सबसे वर्ड वाला एरिया था मेरा ये, इस एरिया में मेरे बाल बहुत हल्के होने शुरू हो गए थे। अब मेरे बाल घने हैं, वॉल्यूम है और हेयर फॉल बहुत कम होता है, वही होता है एवरेज जो हर इंसान का होता है, 50-100 बाल टूटते होंगे। बट ऐसे करता हूँ तो अब ये स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि गाड़ी को खींच सकता हूँ। हाँ, गाड़ी खींच सकता हूँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट इट इज़ रियली स्ट्रांग। तो गाइस, आप भी अगर इस तेल को डेली लगाएं, डेली नहीं लगा सकते हैं तो एक दिन छोड़ के लगाएं। मेरे बाल अच्छे हो गए तो मैं वीकली लगाता हूँ संडे बेसिस पे, और वेडनेसडे को सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाता हूँ। तो हफ्ते में 2 बार चंपी करते हैं, शैम्पू करते हैं और हेयर हेल्दी रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे आपके भी बाल स्ट्रांग हो जाएंगे और हेयर लाइन इम्प्रूव हो जाएगी और भी स्मार्ट दिखेंगे, बाल खत्म होने से पहले बाल वापस आ जाएंगे। तो गाइस, आइए दिखाते हैं आपको, ले चलते हैं अपनी मदर की किचन में। तो आज उनकी परमिशन से आज आपको हम दिखाएंगे अमेजिंग अमेजिंग रेसिपी, अमेजिंग नुस्खा। तो आइए चलते हैं। सबको मेरा नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके बालों की रीग्रोथ कैसे हो सकती है। और उसमें जैसे लोग कलर लगाते हैं तो उसके बाद क्या है कि हेयर जो है वहाँ से एकदम खालीपन हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था। तो पिछले कुछ टाइम से कम 3-4 महीने से मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो आपको तेल बना के दिखाऊंगी आज मैं। तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है मेरे को। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताऊंगी कि इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। सबसे पहले हम लेंगे कोकोनट ऑयल, परसोना का एमवे का प्योर कोकोनट ऑयल है। हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये ऑयल हमने कैसे बनाना है। 4 इंग्रेडिएंट हैं, ये एक लौंची है, ये मेरे पास पिसा हुआ मेथी दाना है, ये आंवला पाउडर है और ये फ्लैक्स सीड है पिसे हुए। तो ये सारी जो मेजरमेंट है वो 2 स्पून ईच है, 2 चम्मच सारी चीज़, 2 चम्मच एवरेज मतलब इंग्रेडिएंट के। और इसके बाद हमारे पास है ये कड़ी पत्ता, ये भी आप जितने भी आपके पास हो अवेलेबल, तो ये करी पत्ता लेना है। फिर हमने इसमें यूज़ करना है अपना कोकोनट ऑयल प्योर, आप ले सकते हैं एमवे के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, कैसे भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये देखो, डालेंगे इसमें हम कम से कम 150-200 ml ऑयल। तो गाइस चिंता मत करिए, काफ़ी टाइम के लिए बनेगा। तो अभी बिना गैस के ऑन करे हम बना रहे हैं। अब हम गैस को ऑन करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा गर्म करने के लिए हम गैस को फुल फ्लेम रखी हुई है। जैसे ही करी पत्ता इसमें पकना शुरू होगा तो हम फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं और ये स्लो भी कर सकते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट जो हम डालेंगे उसमें हमें ज़्यादा फ्लेम नहीं चाहिए। तो जो है इसमें बबल्स बन रहे हैं ऑयल में, ये धीरे धीरे ये पकने शुरू हो गए हैं, 4-5 मिनट लगे। और एक बेस्ट पार्ट में इसका और बताऊँ आपको, जैसे आप ये देख ही रहे हो कि मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, लोहे की कढ़ाई का बेनिफिट ये है कि आपको इसमें आयरन की भी सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो हमें मतलब कोशिश करनी है कि लोहे की कढ़ाई हो। और ये देखो घी गर्म गर्म हो गया, ये ऑयल हमारा
खुशबू भी आ रही है बहुत बढ़िया। अब इसको हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है। लो जी, तो ये बॉयल होता रहेगा चार से पांच मिनट। ये सिम पे कर दिया। सिम पे कर दिया है। अब ये जैसे आप देखोगे कि इसके जो करी पत्ता है कड़क होने शुरू हो गए हैं, फ्राई हो गए। तो जैसे तो पकौड़े भी बनेंगे तो खा भी सकते हैं। खा सकते हैं इसको बेसन बुसन लगा के। करी पत्ते का तो इतने बेनिफिट है, आप देख सकते हैं गूगल पे यूट्यूब पे। अच्छा, तो सो मेनी बेनिफिट। तो इसमें बहुत ही आपको, इसमें आपको भूख लग रही हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा बेसन डाल के पकौड़ा भी खा सकते हैं। देखा, इनोवेटिव रेसिपी। तो बीच बीच में करते रहिए कुछ कुछ, एंजॉय भी कर। आप देख रहे हैं कि ऑयल का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और आपने जब भी करी पत्ता लेना है, क्योंकि ऑयल में डालेंगे तो पानी नहीं होना चाहिए, इसको ड्राई ही करना है। अगर आप करी पत्ता तोड़ते हो, जैसे मैंने अब शाम को बनाना था तो मैंने इसको दोपहर को ही तोड़ लिया था, तो वो पत्ते क्या है अपने आप ड्राई हो जाएंगे। तो धोया था आपने? नो, अच्छा, धोया नहीं। तो धोने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि घर के पत्ते, क्योंकि हमारा जो ये बाहर घर के बाहर ही पेड़ लगा हुआ है तो साफ सुथरे पत्ते थे, मेरे को धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी। टाइम नहीं लगा, देखो पत्तों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। फ्राई हो गए बहुत अच्छे, क्रिस्पी भी हो गए होंगे बिल्कुल। आप ऐसे देखोगे एकदम ड्राई हो चुके हैं। इंग्रेडिएंट है हम वो डालेंगे जो मैंने ये चारों चीज़ें बताई थी, दो दो चम्मच ली हैं, तो ये सारी मैं इसके अंदर डालूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। लो जी, पै गया पोहा। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। दिखा सकते हैं, सच्ची मुझे बंद कर दी है गैस। देखो फिर भी उबाले मार रहा है, खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है क्योंकि इसमें लाजवाब मसाले। हाँ, इसमें फ्लैक्स सीड और वो मेथी दाना, वो सब चीज़ों का अपना ही फ्लेवर है। तो ये हम इसको एज इट इज ओवरनाइट छोड़ देंगे। अच्छा, ये सूख होएगा इसमें सारी? हाँ, तो जो इनका सारे इंग्रेडिएंट का है हमें पूरा पूरा जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये मतलब हीट से अपने न्यूट्रिशन छोड़ेंगे इसमें? हाँ जी, तो ओवरनाइट रहेगा। सुबह इसको छान के किसी भी कांच के बर्तन में डाल सकते हैं, किसी भी जार में। अच्छा, हाँ, तो ये काफी टाइम के लिए बन गया है। अब ये मेरे ख्याल आधा लीटर तो तेल तैयार हो गया होगा, 200 ml 250 ml तो हो गया होगा। तो जितना तेल डाला है उतना तेल, जितना ऑयल डालेंगे उतना तैयार होगा। हाँ, मतलब ज्यादा ये मटेरियल है कि इसमें ये मटेरियल के हम बेनिफिट लेंगे इसमें, बस उतना ही है। तड़के शड़के लगा के बढ़िया से बालू का तड़का लगेगा, देख ही लिया होगा। अभी तो आधा काम हुआ है, बाकी सवेरे इसको हम छानेंगे और बढ़िया से चम्पी करेंगे इससे। इसमें एक दो चीज़ें और सीक्रेट डालेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, आगे और भी अमेजिंग चीज़ें बातें करेंगे और मज़ेदार कहानियाँ बताएंगे और आपको नुस्खा और बढ़िया से बताएंगे, क्योंकि देनी अभी लै अभी पता लग गया। चलो भाई, हम गंजे नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, अभी अद्धी कहानी पता लगी है आपको, बाकी की आधी स्टोरी आगे आएगी। तो जुड़े रहिए, आगे दिखाते हैं आपको सुबह। हाँ जी, देखिए ये ओवरनाइट हमने ऑयल छोड़ दिया था, अब कितना बढ़िया कलर आ गया इसका। अब इसको हम छानेंगे।
गया है, हमने इसको छान लिया है और जब हमने यूज करना है 2 चम्मच इसमें से ये वाला ऑयल लेंगे और 1 चम्मच ये मिलाएंगे कैस्टर ऑयल और इसमें मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल निकाल के रखा हुआ है तो 1 चम्मच ये मिलाएंगे। तो ये पर पर्सन के लिए ये क्वांटिटी काफ़ी रहती है और हमने इस ऑयल को लगाना है जब 1 घंटे के लिए छोड़ना है, उसके बाद अपने हेयर वॉश करने हैं तो आपको बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट मिलने वाला है। और एक चीज़ और कहूँगी कि क्योंकि ये सारी होम रेमेडी है, इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो इंस्टेंट रिजल्ट आने वाला नहीं है, कम से कम 3-4 महीने के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और इसको रेगुलर लगाते रहे, हफ्ते में 2 बार लगाना है और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाला है इससे। थैंक्स। देख लिया आपने कि कितना बढ़िया तरीका है नुस्खा आज आपको हमने बताया, तो इस नुस्खे को फॉलो करिए, रिजल्ट पाइए और आके कमेंट में ज़रूर बताना जब आपके बाल अच्छे हो जाएं, और सभी उन लोगों के साथ शेयर करना जो बेचारे परेशान हैं कि उनके बाल जा रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, तो अगर उनके लिए ये राममान काम कर सकता है, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी यहाँ पे ऑयल करने के बाद हमें कुछ शैम्पूज़ का ध्यान रखना है कि पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पूज़ यूज़ करने, उसके लिए आप एमवे का एक ब्रांड है सेटनिक, जो कि एक इंटरनेशनली रेनाउंड ब्रांड है, उसका शैम्पू आप हेयर फॉल शैम्पू और एक 2-in-1 के नाम से आता है जो कि डेली केयर है, जिसमें शैम्पू एंड कंडीशनर है, और स्पेशलाइज हेयर फॉल शैम्पू जो कि आपने जिस दिन तेल लगाना है उस दिन लगाना है और उसके बाद आप 2-in-1 से फिर क्लीन करिए, कंडीशन हो जाएंगे आपके बाल और बेचिंत हो जाइए, आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा और गंजापन रुक जाएगा और बाल रीग्रोथ होने शुरू होंगे, ये हमारा दावा है और ये अपनाया हुआ नुस्खा है। तो गाइज, अगर आपको शैम्पू लेना है या एमवे के कुछ भी लेना है तो यू कैन बाय फ्रॉम अस, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी और आप किसी भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपको बिल पे मिले एंड बिल पे प्राइस ज़रूर देखिए, क्योंकि नेट पे जो चीज़ें मिलती हैं वो कई बार सच्ची नहीं होती हैं, तो बिल पे देख के प्राइस लीजिए एंड हमेशा जेन्युइन यूज़ करिए, बिकॉज इट इज़ वन लाइफ, यू हैव टू बी बेस्ट, यू हैव टू यू बेस्ट। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो के साथ, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।